दत्तात्रेय जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार दत्त जयंती मार्गशीर्ष महीने में पूर्णिमा के दिन आती है, जिस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। आज भी उस दिन को हिंदू धर्म के लोग दत्तात्रेय जयंती के तौर पर मनाते हैं। यह एक बहुत बड़ा उत्सव होता है जो एकादशी से शुरू होता है और पूर्णिमा तक जारी रहता है। इसके अलावा जयंती के 7 दिन पहले श्री गुरु चरित्र का पाठ एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो उत्सव के शुरू होने का प्रतीक है। भगवान दत्तात्रेय एक समधर्मी देवता है और उन्हें त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु तथा महेश का अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया के पुत्र थे। देवी अनसुईया को पवित्रतम स्त्रियों में से सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वनवास के समय माता सीता ने भी देवी अनसुईया का आशीर्वाद ग्रहण किया था तथा पवित्रता धर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान दत्तात्रेय के जन्म के विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, माँ अनसुईया त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए कड़े तप में लीन हो गई। नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया के सामने आपका सतीत्व कुछ भी नहीं है, जिसे माता लक्ष्मी पार्वती व सरस्वती को अपने पतिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। तीनों ने अपने पतियों से कहा कि वे भूलोक जाएं और वहां जाकर देवी अनसुईया की परीक्षा लें। ब्रह्मा विष्णु और महेश सन्यासियों के वेश में अपनी जीवन संगिनियों के कहने पर देवी अनसुईया के तप की परीक्षा लेने पृथ्वी लोक चले गए। अनसुईया के पास जाकर सन्यासी के वेश में त्रिदेव ने उन्हें भिक्षा देने को कहा। त्रिदेव ने उनसे कहा कि वह भिक्षा मांगने आए हैं, लेकिन उन्हें भिक्षा उनके सामान्य रूप में नहीं बल्कि अनसुईया की नग्न अवस्था में चाहिए। अर्थात देवी अनसुईया उन्हें तभी भिक्षा दे पाएंगी जब वह त्रिदेव के समक्ष नग्न अवस्था में उपस्थित हों। त्रिदेव की यह बात सुनकर अनसुईया पहले तो हड़बड़ा गई, लेकिन फिर थोड़ा संभल कर उन्होंने मंत्र का जाप कर अभिमंत्रित जल उन तीनों सन्यासियों पर डाला। पानी की छींटे पड़ते ही ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही शिशु रूप में बदल गए। शिशु रूप में आने के बाद अनसुईया ने उन्हें भिक्षा के रूप में स्तनपान कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वर्ग वापस ना लौटने की वजह से उनकी पत्नियां चिंतित हो गईं और स्वयं देवी अनसुईया के पास गईं। माँ लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें उनके पति सौंप दें। अनसुईया और उनके पति ने तीनों देवियों की बात मान ली, किंतु अनसुईया ने कहा कि त्रिदेवों ने मेरा स्तनपान किया है, इसलिए किसी न किसी रूप में उन्हें मेरे पास रहना होगा। अनसुईया की बात मानकर त्रिदेवों ने उनके गर्भ में दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा रूपी अपने अवतारों को स्थापित किया, जिससे दत्तात्रेय तीनों देवों के अवतार थे। दत्तात्रेय का शरीर तो एक था, लेकिन उनके 3 सिर और 6 भुजाएं थी। विशेष रूप से दत्तात्रेय को विष्णु का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान भोले का साक्षात रूप दत्तात्रेय में मिलता है। आइए जानते हैं दत्ता जयंती पूजा विधान और उपवास की क्या विधि है। भक्त सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करते हैं और फिर दत्ता जयंती का व्रत रखने का अनुष्ठान करते हैं। पूजा के समय भक्तों को मिठाई अगरबत्ती फूल और दीपक चढ़ाने चाहिए। भक्तों को पवित्र मंत्रों और धार्मिक गीतों का पाठ करना चाहिए और जीवन मुक्त गीता और अवधूत गीता के श्लोकों को पढ़ना चाहिए। पूजा के समय दत्ता भगवान की प्रतिमा पर हल्दी पाउडर सिंदूर और चंदन का लेप लगाएं। आत्मा और मन की शुद्धि व ज्ञान के लिए भक्तों को ओम श्री गुरुदेव दत्ताम और श्री गुरु दत्तात्रेय नमः जैसे मंत्रों का पाठ करना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।